रहा है। तो पूजा में क्या क्या बन रहा है कचौड़ी बन रहा है, सब्जी बन रही है, राइस बन रहा है, जीरा राइस। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या बन चुका है और क्या क्या बनना बाकी है भी। तो यहाँ पे मैंने जीरा राइस छौंक दिया है, हो चुका है, सीटी आ चुकी है। और आलू को वॉश करके मैंने फिर पानी डाल के रख दिया है। यहाँ पे पंजीरी जो प्रसाद होता है यहाँ पे पंजीरी बोलते हैं, ये भी हो गया है। और यहाँ पे रोटा भी छना गया है, तो ये देसी घी में दोनों ही बना है। तो दोनों ही चीज देसी घी में बना है क्योंकि ये भगवान जी को फास्ट है, ये भगवान जी को चढ़ेगा, इसलिए ये पहले हमने बना के और फिर किचन में हमने खाना बनाया है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रूल्स है कि पहले भगवान जी का खाना बन जाता है उसके बाद हम अपना खाना बनाते हैं। तो चलिए और क्या क्या हो रहा है बाहर में दिखा देती हूँ। आटा सना रहा है, आटा मम्मी जी गूंथ रही। तो आटे में हमने सब मिला दिया था, मम्मी जी बोली कि नहीं रहे तो हम सान लेंगे, तुम जाओ और काम कर लो। तो इसमें डाला है तेल, जवाइन और नमक। तो मम्मी जी होने वाला है और हमारे यहाँ कैसे पूजा आता है मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तो सत्यनारायण की, सत्यनारायण की पूजा है हमारे यहाँ। तो सारे लोग नहा चुके, आज हमने 5 ही बजे उठा था, 5 बजे उठने के बाद सारा काम में लग गए, सारा काम हो गया। तो अभी गेस्ट लोग आ रहे हैं, आधे रास्ते पे हैं, तो कौन कौन आ रहा है मैं आप लोग को दिखा दूंगी। तो चलिए अभी चल रहे हैं हम चाय पीने, चाय बन चुका है तो दोबारा चाय बना है आज। तो यहाँ पे प्याज व्याज काट के रख दिए हैं, अब सब्जी बनानी है और हमें पूरी छानना है। तो वो दुकान पे ही सब्जी भी बनेगा और पूरी भी दुकान पे ही बनेगा। चलिए तो यहाँ पे प्याज हो गया है, यहाँ पे प्याज अदरक का पेस्ट और यहाँ पे प्याज का पेस्ट, यहाँ पे टमाटर भी काट लिए हैं, यहाँ पे गरम मसाला सिर्फ है, ये सिर्फ गरम मसाला हमने पीसा है जो खड़े आते हैं आ रहा है, ये सारी चीजें हमने पीस के रख दिया है। और लक्की डीजे हमारा बजा रहा है, लक्की को हमारे बहुत शौक है, तो मैं आप लोग को देख दिखा देती हूँ, डीजे बजा रहा है वो। तो यहाँ पे चौकी आ गया है, आम का पत्ती आ गया है, यहाँ पे भूस आ गया है पूजा के लिए, यहाँ पे केले का पत्ता आ गया है, यहाँ पे बिछा दिया है, तो यहाँ पे डीजे लग गया है लक्की का। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं पंडित जी आ गए, पूजा की तैयारी होने लगा है। तो यहाँ पे जो केले का पत्ता आता है तो उसे बांधना पड़ता है चौकी में। तो यहाँ पे सब प्रसादी लगा रहे हैं बच्चे लोग मिलके, और यहाँ पे पूजा बैठ गया है गांव के जो, तो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं गांव में कि जितनी है, मतलब मेरी चाची सास सब आ गई हैं यहाँ। तो यहाँ पे गीत गा रही हैं क्योंकि ये पूजा में गीत गाया जाता है, तो थोड़ा सा मैं इसमें दिखा दूँगी नहीं। तो यहाँ पे जो आरती का वो चीज़ें हो रही हैं, पूजा का वो स्टार्ट हो गया है करना। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा सा था ये, तो ये सामने की तरफ से शटर खुला हुआ है तो वहाँ से आ रही है कोमल। तो हम भी थोड़ा सा बैठ गए थे क्योंकि बच्चे लोग ने पूरी बेलने लगे थे, बोले आंटी, तो सबने कहा कि आंटी आप जाओ पूजा में बैठ जाओ, आप भी सारे लोग बैठे, तो हम भी यहाँ आ गए थे पूजा में और वो लोग भी आ गए थे। वो आप लोग देख सकते हैं कितने बच्चे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, कितना भी डाटा जा रहा तो बहुत मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे ये लोग भी आ गए हैं पूरी बेल के। तो हमारा इधर जितने भी मदद किए, हेल्प किए बच्चे लोग ने ही किया, किसी ने प्रसाद बांध दिया, किसी ने पूरी बेल दिया, मतलब बहुत अच्छा हेल्प हुआ। तो यहाँ पे सारे लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जो चढ़ावा चढ़ाना है जिसको जो चढ़ा रहे हैं वही लोग लाला के अपना उस पर चढ़ा रहे हैं। पूजा हो गया है, पूजा संपन्न हो गई है। तो यहाँ पे प्रसादी बांटा जा रहा है जो बच्चे लोग ने थैली में लगा के रखा था, सिर्फ हमें बांटना था, उसमें पूड़ी और पंजीरी डालना था, लेकिन इतना घाई करने लगे सब
कि मतलब यहाँ पे पूजा हो गया था, खाना बन गया था, तो यहाँ पे हमने खाना दे दिया है, पूरी सब्ज़ी और दाल और राइस बनाया था, ज़ीरा राइस। तो हम बुआ से पूछने जा रहे हैं कि कैसा बना था बुआ खाना, और यहाँ पे सारे बच्चे बड़े खुशी से खा रहे थे, बहुत टेस्टी खाना भी बना था। पूजा का खाना आप लोग जानते हैं बहुत टेस्टी रहता ही है वैसे भी। ये लोग खाने के आगे अभी बता नहीं रहे हैं कैसा बना है खाना। तो यहाँ पे विदाई हो रही है, खाना सबने खा लिया। तो ये हमारी जो दूसरी वाली बुआ थी, उनकी बहू है बड़ी वाली, तो उन्हीं की विदाई हो रही है यहाँ पे। तो बहुत बहुत भावुक हो जाती है, बहुत मोहाती है वो, मतलब गले मिलने लगी, क्योंकि उनकी सास नहीं है, एक्सपायर हो गई है। हमारी देवरानी चली गई, विदाई हो गई, अभी मामा तो यहाँ पे मामी, जो मामी है हमारी, उनके दामाद आए थे, तो यहाँ पे बैठ के बातें हो रही थी, तब से बुआ आ गए, बुआ की भी विदाई करनी पड़ी। मतलब बुआ इतने दिन थी ना, बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और शाम भी हमारा कैसे बीत जा रहा था हमें पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि बुआ हमारी बहुत अच्छी थी, टाइम बहुत अच्छे से हमारा पास हो जाता था। लेकिन आज जब जाने लगी है ना, तो मतलब आँख बहराई कि बेटी लोग का नहीं हल रहता होता। तो यहाँ पर हमारे मामा मामी की भी विदाई हो रही थी, तो यहाँ पर हैं उनके दामाद छोटे वाले, और यहाँ पे दोनों मामियाँ, तो सब बाय कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भी विदाई होने वाली है, घर खाली होने वाला है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब चले जाएंगे। यहाँ पे माँ, जो हमारी मौसी है मम्मी की बहन, तो उनका फ़ोन आ गया था, तो वो नहीं आ पाई, क्योंकि वो तो मौसी तो नहीं आ पाई, तो उनके बेटे को और बहू को बुलाया गया था, लेकिन कोई ज़रूरी काम आ गया था, तो इसीलिए वो लोग नहीं आ पाए। तो यहाँ पर सब जन चले जा रहे हैं, सबकी विदाई मम्मी ने कर दी है। तो फ्रेंड्स, सब लोग चले गए, घर खाली हो गया, तो सबकी विदाई हो गई है। और आज घर का दशा है, तो मैं मैदा सामने जा रही है अभी दुकान के लिए, और सब चले गए, सबकी विदाई हो गई अच्छे अच्छे से। तो चलिए हम चलते हैं छत पे कपड़े उतारने। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो आज हम लोग बहुत थक गए हैं, और खाना हमने नहीं बनाया, खाना दोपहर में हमने बनाया था, तो इसलिए इतनी टाइम खाना नहीं बना रहे हैं। तो पूजा अच्छे से हो गया, आप लोग भी हम लोग को आशीर्वाद देना, उनसे छोटे हूँ, तो सब लोग भगवान हम लोग को आगे बढ़ाए।